नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इन दिनों कई बाबा मीडिया की सुर्खियों में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर की गई टिप्पणी के बाद कई संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हालांकि यह पूरा मामला शांत हो गया है। आज हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बता रहे हैं जो 109 साल की उम्र के हैं और अपनी सिद्धियों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। मध्य के खरगोन जिले में रहने वाले सियाराम बाबा। सियाराम बाबा के बारे में इलाके में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10 सालों तक बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया है। हालांकि 109 साल की उम्र में भी बाबा बिना चश्मे के रामायण पढ़ते हैं और अपना सारा काम खुद ही करते हैं। बाबा बहुत कम बोलते हैं, हालांकि इसके बाद भी बाबा के दर्शन के लिए उनके भक्त पहुंचे रहते हैं। सियाराम बाबा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा नदी के घाट पर स्थित भट्याण आश्रम के संत हैं और यही रहते हैं। इनकी वास्तविक उम्र क्या है ये तो किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि इनकी उम्र करीब 109 या फिर 110 साल की है। उनकी उम्र को लेकर आसपास के इलाकों में मतभेद है, जिस कारण से वास्तविक उम्र किसी को नहीं पता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बाबा की उम्र 130 साल है। हालांकि बाबा ने भी अपनी उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बाबा सियाराम हनुमान भक्त हैं, हमेशा पर रामचरितमानस का ही पाठ करते हैं। कहा जाता है कि 7 क्लास की पढ़ाई के बाद वह किसी संत के संपर्क में आए, उसके बाद उन्होंने घर और परिवार छोड़ दिया, फिर वह तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का जन्म महाराष्ट्र के आसपास किसी जिले में हुआ है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा दान में केवल 10 रुपए ही लेते हैं। आप लाखों रुपए दान करिए, उमसेन से बाबा केवल 10 रुपए लेंगे और बाकी के पैसे लौटा देते हैं। सियाराम बाबा अक्सर समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा नदी की घाट के मरम्मत के लिए उन्होंने करीब 2,57,00,000 रुपए दान किए थे। कड़ाके की ठंड हो या फिर भीषण बरसात, बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा केवल एक लंगोट में ही रहते हैं। ध्यान साधना के दम पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है। इस उम्र में भी अपना सारा काम खुद करते हैं और अपना भोजन भी खुद ही पकाते हैं। बाबा करीब 12 साल तक मौन व्रत में रहे।